इस चलचित्र में बताई गई सभी बातें विज्ञान के किए गए दावों के आधार पर बताई गई है अथवा इस चलचित्र का महत्व किसी भी देश व भाषा की तुलना करना नहीं है। यह चलचित्र केवल विज्ञान के किए गए दावों के अनुसार आपको 2050 की झलक दिखाने के लिए है। भविष्य को देख पाना तो हम सभी को बड़ा ही अच्छा लगता है और हमें भी ये जानने की इच्छा होती है कि भविष्य कैसा होगा। पचास तक दुनिया से 70% नौकरियां खत्म हो जाएगी क्योंकि तब सभी काम मशीनें करेंगी। मशीनें 2050 तक मनुष्यों की तरह सोचने लग जाएगी और मनुष्यों की ही तरह महसूस भी करेगी। 2050 तक ऐसे कपड़े होंगे जिनको पहनने के बाद आपको सुपर हीरो जैसी शक्तियां मिल जाएंगी। 2025 तक ऐसा कंप्यूटर बना लिया जाएगा जो जिंदा होगा एकदम आपकी हमारी तरह लाइव। उस कंप्यूटर में इमोशंस होंगे यानी कि जब कोई डरने की बात होगी तो कंप्यूटर भी डरेगा। भारत 2050 तक चीन एवं अमेरिका को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। दुनिया की आबादी अभी 7.1 अरब है जो वर्ष 2050 में बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी और चीन को पीछे छोड़कर भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। साल 2050 तक इंसानी दिमाग को मशीन में डाउनलोड किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो भी उसका दिमाग मशीन में हमेशा मौजूद रहेगा, एकदम किसी वीडियो फाइल की तरह जिसे जब चाहे तब इस्तेमाल किया जा सकेगा। समुद्र स्तर बढ़ने से 2050 में मुंबई कोलकाता जैसे शहर जो समुद्र के पास में है गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। समुद्र तल में इजाफा होने से 2050 तक में 10 देशों की आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे लगभग 4 करोड़ भारतीयों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। एशिया महाद्वीप में दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है लेकिन यहाँ के लोगों को साल 2050 तक पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। दो हजार पचास तक न्यूज़पेपर भी डिजिटल हो जाएंगे जिसमें हम उसको टच करके ही न्यूज़ पढ़ पाएंगे। दो हजार पचास तक फोन एक बैंड में आ जाएंगे जिसको हम अपने हाथ पर पहन पाएंगे और जहां चाहे तब यूज़ कर पाएंगे। 2050 तक सभी डिस्प्ले डिवाइस एक लेजर में चेंज हो जाएंगे जिससे हम सिर्फ एक छोटी सी लाइट की मदद से ही बहुत बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ आसानी से देख पाएंगे और बिना स्क्रीन पर भी हम सब कुछ आसानी से देख पाएंगे। वर्ष 2050 तक करीब 5 अरब लोगों को मायोपिया जैसी बीमारी हो सकती है। मायोपिया आंखों में होने वाली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है और दूर की सभी वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देने लगती है। भविष्य की कारें ना पेट्रोल से चलेगी और ना ही डीजल से, ये सब न्यूक्लियर पावर से चलेगी जो सीधा सैटेलाइट से जुड़ी होंगी। भविष्य में ऐसी कारें बनने की भी संभावना है जो आसमान में उड़ान भर सकती है।